पंजाब असेंबली में आइंदा माली साल का 8 माह का बजट आज पेश किया जाएगा। 16 खरब 52 अरब 17 करोड़ की आमदनी के अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं, जबकि बजट दस्तावेजात की तफसीलात लाहौर न्यूज़ पर आप देख सकते हैं। इस पर बात करेंगे हमारी नुमाइंदा नताशा रहमान से। नताशा, बजट दस्तावेजात की तफसीलात लाहौर न्यूज़ को मौसूल हो गई हैं, तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल आमना, ऐसा ही है कि कल जो है लाहौर न्यूज़ ने तमाम तर बजट की जो तफसीलात थी वो आपके साथ शेयर की थी, लेकिन आज चूँकि तमाम तर जो तफसीलात हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो तमाम तर तफसीलात दस्तावेजात के साथ लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं, और इसके अलावा आपको तफसीलात भी बताई जा रही हैं। तहरीक इंसाफ का पहला बजट जो है वो सिर्फ लाहौर न्यूज़ आपको दिखा रहा है, वो भी सिर्फ दस्तावेजात के साथ। पंजाब हुकूमत ने मौजूदा माली साल के लिए 16 खरब 52 अरब 17 करोड़ की आमदनी के अहदाफ मुकर्रर किए हैं दस्तावेजात के मुताबिक। इसके अलावा NFP के तक जो है वफाकी हुकूमत से 12 खरब 74 अरब और 32 करोड़ रुपये हासिल किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने सूबाई महकमों से जो है 3 खरब 75 अरब 85 करोड़ रुपये आमदन के अहदाफ मुकर्रर किए हैं। इसके अलावा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से जो है 75 अरब 32 करोड़, एक्साइज एंड टैक्सेशन से जो है 37 अरब 65 करोड़ रुपए की आमदनी। बहुत शुक्रिया आपका नताशा।